नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस के सामने सरेआम की गई हत्या के बाद यूपी की योगी सरकार और यूपी पुलिस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर सीएम योगी ने शनिवार देर रात एक हाई लेवल मीटिंग की थी और कड़े निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद आज सोमवार को एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आरके विश्वकर्मा सीएम आवास पहुंचे हैं। बता दें यह मीटिंग योगी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर हो रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पद देने का वादा किया था। बसवराज बोम्मई ने हुबली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जगदीश शेट्टार इस क्षेत्र में एक वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री ने शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पद देने का वादा किया था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री बने रहते तो सब कुछ ठीक होता। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आपकाली नीति मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ किए जाने के एक दिन बाद इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। इस सत्र के आरंभ में आप विधायक संजीव झा ने अपनी बात रखते हुए उपराज्यपाल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया में खबर आ रही है कि उपराज्यपाल कह रहे हैं सदन का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। जब उपराज्यपाल ऐसी उलझुल बातें करते हैं, ये व्यक्ति की बात नहीं है, एक संवैधानिक पद की है और संवैधानिक पद की गरिमा होती है। उन्होंने कहा कि इसे संवैधानिक संस्था का एक तरह से मजाक बनता है, दिल्ली का मजाक बनता है। संजीव झा ने आगे कहा कि वे इस बात को मानते हैं कि एलजी साहब को दिल्ली की समझ नहीं है, हालांकि एलजी ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए जो दिल्ली को जानता हो। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि उपराज्यपाल को संविधान की लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी हो, जो वर्तमान उपराज्यपाल को नहीं है। उपराज्यपाल सदन को सीधा कोई संदेश दे ही नहीं सकते। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने की वजह बताते हुए कहा कि विशेष परिस्थिति होने की वजह से यह सत्र बुलाया गया है। हम सदन में विपक्षी दलों पर सीबीआई हमलों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से वही प्रश्न पूछे गए जिनका जवाब मनीष सिसोदिया ने दे दिया था। राय ने कहा कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है। साथ ही उनका आरोप है कि एलजी को संविधान की समझ नहीं है। उनका कहना है कि स्पीकर जब चाहे विशेष सत्र बुला सकते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र ने कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है कि अदालतें समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता देकर कानून की एक पूरी शाखा को फिर से नहीं लिख सकती हैं, क्योंकि एक नई सामाजिक संस्था का निर्माण न्यायिक निर्धारण के दायरे से बाहर है। केंद्र ने कहा कि जुडिशियल अवार्ड की मदद से समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। यह संसद के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के। केंद्र ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि कोर्ट के लिए याचिकाएं सोशल एक्सेप्टेंस के उद्देश्य से अर्बन एलिट आइडियाज को दर्शाती हैं। केंद्र ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न देने का विकल्प विधायी नीति का एक पहलू है। यह स्पष्ट विधायी नीति के मद्देनजर अदालत में न्याय करने के लिए सही विवाद नहीं है और शादी केवल एक पुरुष और महिला के बीच में ही हो सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, एस रविंद्र भट्ट, पीएस नरसिम्हा और हेमा कोहली शामिल हैं। मामले पर अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने से असहज हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार 16 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर एतराज जताते हुए इसे चालबाजी करार दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और पीएम मोदी के भाषणों में इस्तेमाल होने वाली चालबाजी को समझता हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी ही सरकार की ऐसी तैसी करेंगे। दरअसल बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक मित्र के नाते गहलोत जो भरोसा रखते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों वे राजनीतिक आपाधापी और अनेक संकटों से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद वे विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं अब पीएम मोदी के इस भाषण के बाद से ही सीएम अशोक गहलोत लगातार उन पर सियासी हमले करते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।